हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका द अंजूस किचन में। आज अंजूस किचन में मैं आपके लिए बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और बहुत ही हेल्दी स्ट्रॉबेरी स्मूदी की रेसिपी लेके आई हूँ। जी हाँ, ये घर में हम बड़े ही आसानी से बनाएंगे। दो तरीके से बनाएंगे, एक हम स्ट्रॉबेरी के साथ और एक ओरियो बिस्किट के साथ। सच मानिए, ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बनके तैयार होगी। तो चलिए स्ट्रॉबेरी स्मूदी बनाना शुरू करते हैं मेरे अंदाज में। इसके लिए मैंने ये स्ट्रॉबेरी ले ली है, इन्हें अच्छे से धो लिया है और धोने के बाद इनको पोंछ लिया है। और अब स्ट्रॉबेरी के ऊपर का जो पार्ट होता है उसको इस तरीके से हम कट कर लेंगे, निकाल लेंगे। और अब मैंने एक स्ट्रॉबेरी ले ली है, उसको इस तरीके से काट लिया है। तो ये आप देख सकते हैं, ये मैंने डेकोरेट करने के लिए कट की है। तो सच बताएं तो बच्चों को डेकोरेट करके देंगे स्मूदी पीने के लिए, तो वो उसको और भी जल्दी झट से ख़त्म करेंगे और बहुत ही ज़्यादा मन से पियेंगे। इस तरीके से मैंने सारी स्ट्रॉबेरी के पार्ट को कट करके रख लिया है, तो ये आप देख सकते हैं। और थोड़ी सी सजाने के लिए अलग से स्ट्रॉबेरी कट कर ली है। और अब मैंने एक ये ब्लेंडर जार ले लिया है, उसमें ये सारी स्ट्रॉबेरी डाल देंगे। ये स्ट्रॉबेरी कम से कम हमारी 1 कप के बराबर है। और अब इसमें मैंने 1/2 कप चीनी ऐड कर दी है। चीनी आप अपने स्वाद के अनुसार कम या ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। और अब इसको थोड़े सा ब्लेंड कर लेंगे, तो हमारे को अच्छे से चीनी और स्ट्रॉबेरी हमारे अच्छे से मिक्स हो जाए, हमको उतना उसको ब्लेंडर जार में मिक्स करना है। तो अब इसके करने के बाद अब मैंने ये 1 ग्लास दूध ले लिया है। जी हाँ, ये उबाल के ठंडा किया हुआ दूध है, नॉर्मल टेम्परेचर में है। आपको ठंडा दूध पसंद है तो आप फ्रिज वाला दूध भी इसमें ऐड कर सकते हैं। और अब इसको इसमें हम ऐड कर देंगे और दोबारा से ब्लेंडर जार में 1 मिनट के लिए इसको अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। अब ब्लेंड करने के बाद ये लीजिए, हमारा स्ट्रॉबेरी स्मूदी बन के तैयार है। और अब मैंने एक ग्लास ले लिया है, इस ग्लास में अच्छे से ये जो रोज़ सिरप रहता है इसको इस तरीके से साइड्स में, कांच के ग्लास के साइज में इस तरीके से घुमा लिया है। तो ऐसा करने से ये ना बिल्कुल हमारा मार्केट की जैसे स्मूदी लगेगी और बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखेगी। और अब इसमें बनाया हुआ जो स्मूदी थी वो मैंने इसमें डाल दी है और इस तरीके से मैंने ये स्ट्रॉबेरी से सजा दिया है। तो सजाना तो आपकी खुद की क्रिएटिविटी है, आप किस तरीके से भी सजा सकते हैं। ये थोड़ा सा मैं आइडिया दे रही हूँ किस तरीके से स्ट्रॉबेरी स्मूदी को हम सजा सकते हैं। तो लीजिए, हमारी बिल्कुल मार्केट जैसी स्ट्रॉबेरी स्मूदी बनके तैयार है। दोस्तों, ये बहुत ही जल्दी बनके तैयार हो जाती है। दोस्तों, ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक ज़रूर कीजिए। और चैनल पे नए हो तो ऐसी ही आसान और मज़ेदार रेसिपीज के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। बनाएंगे हम ओरियो बिस्किट से। तो ये मैंने एक ओरियो बिस्किट का पैकेट ले लिया है और इसमें जो बिस्किट्स हैं इनको मैंने अच्छे से क्रश कर लिया है। क्रश करने के बाद इसको मैंने वापस ब्लेंडर जार में जो हमारी स्मूदी बची हुई थी उसमें ऐड कर लिया है। ऐड करने के बाद इसको मैंने ग्लास में सर्व कर दिया है, बिल्कुल सेम तरीके से ग्लास में सर्व किया है। और फिर टॉप में जो हमने वो स्ट्रॉबेरी कट की थी ना, उसके साथ इसको डेकोरेट किया है और साथ में ओरियो बिस्किट्स के थोड़े से क्रम्स जो हैं इससे सजा दिया है। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों, आपको आज की ये रेसिपी भी ज़रूर पसंद आई होगी। जल्द ही मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय।